जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और अच्छा अच्छा सोच रहे होंगे. कहते हैं कि जो आप जैसा सोचते हैं अगर अच्छा चलाते हैं तो उससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होता है बल्कि आपके साथ रहने वालों को, आपके मुल्क को, इस दुनिया को, इस कायनात को भी फ़ायदा पहुंचता है एंड वाइस वर्सा. यानी कि अगर आप कुछ भी ऑल फॉल अपने मन में चलाएंगे, कुछ भी नेगेटिव चलाएंगे, कुछ नहीं किसी के लिए नहीं, तो अपने ही दुख दर्द के बारे में सोचते रहेंगे, परेशानी के बारे में सोचते रहेंगे, तो उससे आपके साथ रहने वाले भी अफेक्ट होंगे, आपका मुल्क भी अफेक्ट होता है और ये दुनिया, इस कायनात पे भी आपकी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं. आप कहेंगे ये क्या बात कर रही हो, हम यहाँ पर अपना दुख दर्द लेकर सोच रहे हैं तो दूसरे को कैसे, कायनात को कैसे अफेक्ट होगा? वाइब्रेशंस के ज़रिए, जैसे कि इंसानों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी से आप यहाँ बैठे, पाकिस्तान में बैठे मैसेज करते हैं फ़ोन के ज़रिए और टेक्नोलॉजी पहुँचा देती है आपके उस मैसेज को फ़ौरन से कहाँ, कहीं भी दुनिया के किसी भी इलाके में, अमेरिका में बैठे हुए किसी को पहुंच जाता है मैसेज. तो सोचें जो अल्लाह की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है वो कितनी फास्ट होगी और कैसे काम करती होगी. और वो है रूहानियत में, जैसे कि आपने कुछ भी सोचा तो उसकी वाइब्रेशंस कैसे फैलती हैं. तो अब आपके हाथ में है, इस कायनात के, इस दुनिया के माहौल को अगर अच्छा करना है तो अच्छा चलाना पड़ेगा, वरना अगर पोल्यूट करना है अपनी सोचों के साथ, अपने दुख दर्द की सोचों के साथ, तो कर लीजिए, उतनी ही परेशानियां फिर बढ़ती चली जाएंगे. इट्स अप टू यू. अच्छा जी, आज का शो आप लोग इन्जॉय करेंगे क्योंकि आज जो हैं वो बीच लग्जरी होटल से आए हैं एग्जीक्यूटिव शेफ मुमताज़ हमारे साथ होंगे, जो फर्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रहे हैं. लेकिन कितने टाइम से बीच लग्जरी के साथ कर रहे हैं, इनका अपना कितना एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि इन शेफ़्स का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है. बहुत ज़्यादा अरसा ये लोग काम करते हैं और फिर ये होटल्स का एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस होता है और बहुत कुछ सीखते हैं, मज़े मज़े के खाने हम सबको खिलाते हैं और उन्हीं खानों की वजह से हम अट्रैक्ट होते हैं और जाते हैं. एंड प्लस बीच लग्जरी होटल तो वैसे ही एक सदियों से चला आ रहा है और उसका जो सी फूड है, अब तक लोग जो है, जो असल सी फूड खाने वाले लोग हैं वो वहीं जाकर खाते हैं, कस्बा रेस्टोरेंट का, क्योंकि वो इन्जॉय करते हैं. वहाँ पर आपको लॉबस्टर्स भी मिलेंगे, क्रैब्स भी मिलेंगे, प्रॉन्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं और थोड़ी सी चिट चैट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम शेफ मुमताज, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स. थैंक यू. कैसे हैं आप? सब ठीक, आप सुनाइए. क्यों आप पहली मर्तबा आ रहे हैं? पहले क्यों नहीं आया? आपने बुलाया पहली मर्तबा. हाँ जी, वैसे आपने शोज वगैरह किए, लाइव आप नहीं आए? लाइव नहीं आया हूँ. हाँ. मैं शो तो करता रहता हूँ आपसे, मसाला टीवी से या पिछले सीजन की. हमने बहुत किया, हम बीच कुछ नहीं होता, हम बीच लग्जरी होटल पहुँच जाते हैं. वहाँ की जगह, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है, अच्छा होता. प्रोमोज बनाने होते हैं तो हम वहाँ चले जाते हैं शूटिंग के लिए, फोटोग्राफीज के लिए, बहुत अच्छी जगह. हाँ, बहुत अच्छा, खाने में अलग मजा आ जाता है ना, पूरा माहौल एक वैसा बना हुआ. और आप लोग तो हैं ही फैमिलियर विद द बीच लग्जरी, तो है वैसे. तो फिर तो शेफ, आज जो हम आपसे सीख रहे हैं ये कौन सी खास रेसिपीज है? आज हमने एक पाकिस्तानी, अपनी पाकिस्तानी कुजींस को चूज किया है, ठीक है, और एक डिज़र्ट बनाएंगे हम. अच्छा. उसके बाद हमने दो इटालियन डिशेज़ हैं. अच्छा. जो बहुत फेमस हैं इटली. अच्छा. के अंदर और लोग पसंद भी करते हैं और हमारा कंसर्न भी थोड़ा सी फूड से बनता है. अच्छा. कस्बा रेस्टोरेंट का, तो हमने ये आज आपके शो में ये दोनों डिशेज. आपको पसंद है सी फूड? बहुत ज़्यादा. हाँ, क्या चीज़ आप शौक से खाते हैं? मैं फिशी, फ्राइड फिश और फिश मसाला क्रैब खाता हूँ, मतलब इतना उसके साथ नहीं, नहीं है. हाँ. ऐसा नहीं है. हाँ. लेकिन टेस्ट करते करते अपने अपना शौक पूरा हो जाता है. शौक पूरा हो जाता. सही है. अच्छा, तो आज हम आपसे, ये एक पाकिस्तानी भी है, इटालियन भी, और डिजर्ट में हम दूध के लड्डू बनाएंगे. दूध के लड्डू बनाएंगे, लड्डू बन जाएंगे. जम जाएंगे. वो दूध तो लिक्विड है ना, तो वो ऐसा कौन उसको पकाएंगे, उसके साथ उसको ड्राई करेंगे उसके शुगर वाटर के साथ. अच्छा. इंशाल्लाह हो जाएगा. शेफ आप कब से हैं बीच लग्जरी होटल में? बीच लग्जरी में मेरे को होगा 1.5 साल हो गया. अच्छा. डेढ़ साल हो गया. इससे पहले मैं बाहर ही रहा हूँ. सेकेंड टाइम मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ. किस जगह पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में मैं रशिया में रहा, दुबई में, अबू धाबी में, मस्कत में.
तकरीबन 34-35 इयर्स हो गए. पूरी जवानी आपने निकाल दी खाना बनाने में. बिल्कुल बिल्कुल सही. जब से होश संभाला खाना बनाने में लग गए. क्यों ये फील्ड क्यों चूज कर लिया? वजह ये कि थोड़ा डिफरेंट चाहिए था. अच्छा. हाँ, लेकिन मेरा जो असल जो है वो तो अकाउंट से मेरा कंसर्न रहा है. अच्छा, स्टडी भी मैंने अकाउंट से की है. हाँ. लेकिन मैं कुछ डिफरेंट चाहता था, वो मैं सक्सेस हो गया. जो मेरा प्लान था, जो मेरा ड्रीम था, वो मैं सक्सेस हो गया. और ड्रीम और प्लान करें ना जरा. okay. अपना रेस्टोरेंट, अपना होटल खोलने का भी सोचें. बिल्कुल इंशाल्लाह. इतना एक्सपीरियंस है आपको. चले जी शेफ, हम किचन की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा जी, हमारे देखने वाले जो है वो भी थोड़ा सा खुश हो जाएं इस बात पे कि आज अल जुहेब की तरफ से आपको जोड़े भी दिए जाएंगे. इनफैक्ट शेफ, मैं ज़रा अपना जोड़ा इनको दिखा दूँ. ये इनकी वेलवेट कलेक्शन है, विंटर कलेक्शन, एंड ब्यूटीफुल कलेक्शन. आप इनकी कैटलॉग ज़रा चेक कीजिएगा. इनकी वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं और ज़रा इनकी नई कलेक्शन देखें. आगे ये शादियों का सीज़न है, आपके बड़े काम में आएगा. एंड आई एम श्योर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा. सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इनकी वेबसाइट पर, ज़रूर जाइएगा. आज अल जुहेब के जोड़े भी आपको दिए जाएंगे. जी शेफ, किससे शुरुआत तो कर रहे हैं? हम पहले स्टीम चिकन बनाएंगे. ओके. स्टीम चिकन थोड़ी सी, जो स्टीम चिकन बनती हैं उनसे थोड़ा सा हटके होगी. अच्छा, पहले हम फ्राई करें, उसको मैरिनेट करके फ्राई करेंगे. अच्छा. फ्राई करने के बाद उसको स्टीम पे डालेंगे. ओके. तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं. सही है. तो अभी हम मैरिनेशन करते हैं. स्पून लेने के आपने निकाल के रखे हैं जी. शेफ है ना, प्रॉपर हर चीज. बिल्कुल. अच्छा, हम थोड़ा सा ये पहले हम ये अच्छा आपने होल चिकन लिया है? होल चिकन लिया है, इसके हम पीसेस 8 पीस कर लिए हैं. एक चिकन में से तकरीबन ऑलमोस्टली 1 kg 200 g है ये. इसके हिसाब से हम अपनी मैरिनेशन करेंगे. ये थोड़ा हल्दी है, 1/2 teaspoon डाल देंगे. ठीक है. इसके अलावा ग्रीन ये ले लेंगे, चिल्ली पाउडर है. ठीक है. चिल्ली पाउडर तकरीबन ये भी इतना ही ले लेंगे. थोड़े से इसके लिए थोड़ा चिल्ली, थोड़ा कहते हैं थोड़ा सा चटपटा सा होने के लिए तो मैंने कुटी हुई मिर्ची रखी है यहाँ पर. तो ये है. अच्छा, सॉल्ट तो ये आप पे डिपेंड करता है कितना सॉल्ट चाहिए. ये सॉल्ट डाल दें. ये पाकिस्तानी वाली रेसिपी? बिल्कुल, ये पाकिस्तानी. और ये कुटा हुआ धनिया है तकरीबन 1/2 teaspoon. ये क्यूमिन है, ये जीरा कुटा हुआ है, कुटा हुआ है. इसको हमने भून के थोड़ा अच्छा सा उसको कूट लिया. अब तो ज्यादातर ये भुना हुआ ही चलता है. हाँ, अच्छा रहता है. हाँ, फ्लेवर भी आता है, खुशबू आ जाती है. इसके अलावा हमें भाई ये गार्लिक है. अच्छा, एक स्पून ले लिया. स्पून ले लिया. शेफ, होटल्स में भी मेरे ख्याल से आप लोग फ्रेश गार्लिक को चॉप करते हैं ना? बिल्कुल. बना बनाया तो वैसा नहीं है. नहीं, बना बनाया नहीं, हम लोग खुद तो अपना है. हाँ जी. जिंजर है. ठीक है. अच्छा, जिंजर, गार्लिक, बाकी वही तमाम मसाले जो मसाले नॉर्मल मसाले हैं. बस ये थोड़ा सा ये है कि एक तो हाथ का टेस्ट थोड़ा सा हो जाएगा, मिल जाएगा. बिल्कुल, ये मेरा है इसके ऊपर कि आपके हाथ में टेस्ट है. मसाले बाद में. अच्छा, थोड़ी सी चिल्ली हम ज़्यादा डाल लेंगे. अच्छा, कुटी हुई चिल्ली है, थोड़ा चटपटा भी हो जाएगा. और क्योंकि ये इसके अंदर हम इसको बेसन डालेंगे तो ये सारा वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा. अच्छा, तो थोड़ा सा और होना चाहिए. इसके अलावा इसकी मैरिनेशन लेमन जूस ले लेंगे. ठीक है. लेमन जूस के लिए आपको ये मेरे पास रखा, ये लेमन जूस थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे. तकरीबन 30 ml तक डाल देंगे इसको, क्योंकि 1 kg चिकन है. थोड़ा खट्टा मीठा रहे ना तो अच्छा है. अच्छा, अब ये हो गया, हमारी मैरिनेशन हो गई. इसके अलावा हम इसको मिक्स कर लेंगे. मिक्स करने के बाद फिर हम इसको मैदा और इससे पहले कि हम अंडा और बेसन लगाएं, थोड़ा ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं जिसमें फ्राई. अच्छा, डीप फ्राई होगा? डीप फ्राई होगा जी. ठीक है, सही है. तो हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं. हम ब्रेक भी ले लेते हैं, ऑयल हम निकालते हैं ज़रा. वो खूबसूरत सी बॉटल पकड़िए, किफ़ाया की, किफ़ाया और की. हम इस्तेमाल करेंगे आज ऐसा कुकिंग ऑयल जो कुदरती तेलों से बनाया गया है, जिसमें सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है इसमें. और सही है जी, पर इतना ही आराम से डीप फ्राई करें. ये डीप फ्राई करें, इतना ऑयल बहुत है. ठीक है. एंड कनोला ऑयल, ये तीन ऑयल्स से बनाया गया है. किफ़ाया ऑयल को सबके दिल को भाया. किफ़ाया, किफ़ाया. सही है जी. इसको अरबी का वर्ड सही है जी. जी, मेरा ख्याल से इसका जी.
तो अच्छा जी, हमने ये मैरिनेशन कर दी है, इसमें अभी अगर कुछ और ऐड करेंगे? बस हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद मिक्स कर लूँ मैं। हम सामने जो करेंगे बिल्कुल सामने ऐड करेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होंगे। आज बीच लग्जरी होटल से आए हैं, हमारे पास एग्जीक्यूटिव शेफ हैं वहाँ के, शेफ मुमताज, इनकी रेसिपीज मिस नहीं कीजिएगा। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता। स्टीम रोस्ट चिकन, अच्छा चिकन लेग्स 15 अदद, बेसन 200 ग्राम, लहसुन 30 ग्राम, अदरक 25 ग्राम, कुटा धनिया 20 ग्राम, कुटा जीरा 20 ग्राम, हल्दी पाउडर 15 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 25 ग्राम, इसी लाल मिर्च 15 ग्राम, लींबू का रस 50 मिलीलीटर, अंडे 3 अदद, तेल 100 मिलीलीटर, पीला रंग 2 ग्राम, नमक हसबे जायका, गार्निश के लिए हरा धनिया हसबे ज़रूरत, बादियान हसबे ज़रूरत। वेलकम बैक, आ जाइए किचन की तरफ। हमने यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किया है, स्टीम चिकन बन रही है, लेकिन थोड़ा सा पहले हम उसको डीप फ्राई करेंगे और फिर उसको हम स्टीम उसको, उसको मैरिनेशन में हमने नॉर्मल मसाले सारे डाले थे, वही भुना हुआ जीरा, धनिया कुटावा, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, लेमन जूस, अदरक, लहसुन, थोड़ा कलर और डालेंगे, एक कलर और थोड़ा। अच्छा, अंडा तो अभी नहीं शामिल किया था ना? अभी नहीं किया, अंडा भी नहीं किया और मैं बेसन भी अभी नहीं डाला इसके अंदर। बस इसको ये मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ये इससे अच्छा लगेगा, थोड़ा कलरफुल हो जाएगा। ये जा रहा है इनके हाथों का जायका, हाथों का मजा सारा इसमें। अभी ग्लव्स पहन लिए, अभी कहाँ से जाएगा हाथों का मजा, है ना? लेकिन दिल से जाएगा, दिल से जाएगा। ये होती है बात, हम जो कहते हैं ना कि हाथ का अपना जायका होता है, वो असल में आपकी अपनी वाइब्रेशन होती है, वो एनर्जी होती है जो खाने में जा रही है। बिल्कुल, आपके दिल से जो जाए। आपकी सोच होती है आपके खाने के अंदर बनाने वाले की। एक्चुअली होता ही टेस्ट हो है जो आप दिल से बनाते हैं। बिल्कुल, बददिली से बनाएंगे तो टेस्ट भी खत्म हो जाएगा और रौनक भी नहीं होगी, लोग भी बददिल हो जाएंगे, बोलेंगे रहने दीजिए, बददिली से बना हुआ खाना खाएंगे वो भी ऐसी हो जाएगा, ऐसी। अच्छा, ये अंडे डाल दिए, मैं 2 अंडे डाले अभी, फिर बाद में देखते हैं इसको। ये थोड़ा सा हमने तकरीबन 75 ग्राम तक डाल दिया। शेफ, मजा आ रहा है लाइव शो में? बहुत अच्छा, और आपके शो में आने की बहुत देर का ही थे, हम आपको पहले ही बुला लेते क्या सब किचन है, जो लोग जो हमारे असिस्टेंट्स हैं बोलते शेफ आप हर जगह गए हैं, हर जगह हो गया, लेकिन आप अभी तक किरण के साथ कोई प्रोग्राम नहीं किया। मैंने भी तकरीबन हर शेफ के साथ काम किया हुआ है, आपको बहुत बिल्कुल होटल्स में जाके, बिल्कुल तो वहाँ कहीं किसी रेस्टोरेंट में भी जाती हूँ ना, तो वहाँ के शेफ्स और वहाँ के जो बैठे थे ना, वो बड़े उससे मिल रहे होते हैं, जानते होंगे ये कुकिंग से आई है, कुकिंग से है ना। और आपको तो बहुत ही इसके अंदर क्या समझे, शेफों के अंदर आप तो बहुत इसके अंदर हैं, सालों से कर रही हूं। और आप तो माशाल्लाह से काफी अरसे से कर रही हैं, और हर शो आपने सक्सेस किया है। हाँ, नहीं, नहीं, माशाल्लाह से, लेकिन ये कि शेफ्स के साथ मेरा काफी वास्ता रहा, बहुत अच्छा है। और तकरीबन हमारे यहाँ भी शेफ सब ने किया हुआ है, आपके साथ बीच लग्जरी में अब्दुल कादर ने भी आपके साथ किया है, कादर ने भी आपके साथ, उसके साथ, और फिर शेफ इधर से उधर होते रहते हैं ना, होटल्स पे से भी कभी किधर कभी कहीं, तो वैसे ही थोड़े से रोटेट करते रहते हैं, तो और अच्छा वो आप लोगों को मिलने का मौका मिल जाता है शेफों के साथ, हमको काम करने का मौका मिल जाता है आपके साथ। अच्छा जी, किफाया कुकिंग ऑयल में हम इसको डीप फ्राई करेंगे, देखते हैं ये कितना, हाँ थोड़ा कितना हो चुका है ये। अच्छा, ये आप तेज आंच पे डीप फ्राई करेंगे? नहीं, हल्की आंच पे करूंगा, क्योंकि सिर्फ मुझे इसको मीडियम वेल करना है। अच्छा, क्योंकि असल कुकिंग जो है इसकी स्टीम है, क्योंकि स्टीम चिकन है, असल कुकिंग जो है जो पकेगा वो स्टीम के अंदर पकेगा, गलाना वलाना वही होगा। ये तो हम सिर्फ इसकी जो वो है एक इसका, हाँ समझे, इसको फ्रीज कर रहे हैं हम उसके अंदर। अच्छा, ठीक है, सारे इसका सारे मसाले उसके अंदर फ्रीज हो जाएं बस। ये तो ये एक तरह से टेक्निक है कि आप अगर स्टीम कर रहे हो तो पहले एक डीप फ्राई करके, डीप फ्राई कर लें तो बहुत अच्छा है। बहुत से शेफ हैं जो नहीं करते। अच्छा, मैं देखूँ ये गर्म हुआ या नहीं हुआ, ऑलमोस्ट हो गया। भाई आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं हमारे शो में, आज अल जुहैब की तरफ से हम आपको जोड़े भी दे रहे हैं। शेफ घर पे शो देख रहे हैं आपके लोग?
बिल्कुल देख रही है घर पे खाना बनाते हैं आप ये शेफ्स लोग क्या घर पे खाना नहीं बनाते बिल्कुल नहीं बनाते ये तो बहुत शिकायत है ना बहुत ये घर वालों को शिकायत होती है बहुत ज़्यादा शिकायत है इस चीज़ की कि घर पे नहीं अच्छे खाने बनाते हैं और शो में आते हैं और कभी कभार फैमिलीज आती हैं प्रोग्राम में और बीच लग्जरी में तो सब है लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है प्रॉब्लम्स ये है कि घर पे नहीं बनाते बस कितना भी बड़ा शेफ क्यों ना हो उसको अपने घर वाली के हाथ का ही खाना पसंद है बिल्कुल ये बात है ये नहीं कि थक जाते हैं नहीं मेरे को दे दें जी क्या दूं चमचा जी ये दे हाँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग किरण गुड मॉर्निंग किरण माशाल्लाह ब्लैक में बहुत प्यारी लग रही है बहुत जबरदस्त सूट लग रहा है आपका थैंक यू एक्चुअली पता है ये ब्लैक नहीं है मैंने भी मैगजीन में देखकर ब्लैक समझा लेकिन ये है बहुत डार्क सा ब्राउन बहुत अच्छा सा ब्राउन अच्छा इस थीम पे ब्लैक एंड गोल्डन आ रहा है हाँ नहीं वो आएगा वो अच्छा लग रहा है वैसे भी पर बहुत जबरदस्त लग रहा है बहुत प्यारा आपका शो बहुत जबरदस्त माशाल्लाह आज आप इतने बड़े शेफ को लेकर आई हैं अब इतने अच्छे बड़े शेफ से सीखने का मौका मिल रहा है 35 इयर्स का एक्सपीरियंस शेफ मुमताज को भी बहुत अस्सलाम वालेकुम कहूंगी बहुत अच्छा लग रहा है सर आप आए थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का और थैंक यू वेरी मच अप्रिशिएट करने का नहीं सर बहुत ज़बरदस्त कि हमें आपसे सीखने का मौका मिला इतनी अच्छी रेसिपीज आप जो होटल में सिखाते हैं वो हम घर में बना के खा सकते हैं इससे बड़े प्रिविलेज क्या होगी बिल्कुल रियली वी आर ऑनर्ड कि आप यहाँ पर आए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी आगे भी सीखने को मिलेंगी और आई एम श्योर कि किरण इस लकी के उनको ना आपकी जो रेसिपीज टेस्ट करने को मिलेंगी हाँ बिल्कुल मेरे लिए तो फायदा ही फायदा है आप जरूर बताइएगा वैसे तो आई एम श्योर सारी रेसिपी अच्छी होंगी कि मस्ट ट्राई वाली जो रेसिपी वो जरूर बताइएगा कुछ बहुत जबरदस्त है किरण और एक चीज किरण में एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि लोगों को अप्रिशिएट करना सीखिए लोगों से हसद ना कीजिए जलन ना कीजिए उनकी तारीफ कीजिए उनको अच्छा देखकर खुश होइए और अपने लिए ये ना सोचिए कि हमारे पास ये नहीं है अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह से दुआ कीजिए ठीक है जी बिल्कुल अपने आप को ही देखते रहें अपने आप पर ही नज़र रखते रहिए दूसरों पे नज़र ना रखें अच्छा ये देखिए कलर अच्छा। नहीं आया तो देखिए कितना हाँ, अच्छा है हाँ ज़्यादा कलर भी नहीं है और तकरीबन मीडियम तक हमने इसको पका लेंगे इसके बाद हम इसको फिर स्टीम में डालेंगे अच्छा, तो सर जब हम स्टीम में डालेंगे तो इसका क्रिस्पीपन तो सब खत्म हो जाएगा नहीं इसका क्रिस्पीपन तो खत्म हो जाएगा लेकिन वो नहीं इसे जैसे कि मॉइस्चराइज नहीं होगा लेकिन ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा और बहुत आप देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल ये वजह हम इसको जो है ना इधर से फ्राई करके हाँ, इसका जो कोटेड है हाँ, वो उसको हम इसी तरह रखेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह अच्छा, आप भी मैं खाने पहली दफ़ा खाएंगी फ्राई होकर स्टीम या नहीं 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 खा तो कभी हो चाहिए अच्छा क्योंकि बहुत से ऐसी रेसिपीज होती हैं जो सरप्राइज होता है अपने लिए क्या चीज़ आती है लेकिन ये कि मुझे वो इस तरह की कोई बोरी चिकन बनती है हाँ, बोरी चिकन जी 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 जी, जी, हाँ, जी इसी तरह से वो बेसन के अंदर वो फ्राई होके तो फिर वो अंडर दल के जी बिल्कुल अच्छा ये सारा हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टीमर हमने यहाँ पे रखा है स्टीमर रेडी है अगली रेसिपी मीठा कर रहे हैं बीस मीठा करेंगे उसके बाद फिर इटालियन की तरफ आएंगे ताकि ये दो हमारी रेसिपीज हो जाएंगी तो इंशाल्लाह और यही दो थोड़ी सी लेंदी हैं और ये दोनों लेंदी हैं और वो तो हमारी इटालियन है और इटालियन हमने जो अला कार्ट चलाते हैं जो सी फूड्स के साथ एक नई चीज़ मिलेगी आज ठीक है चलिए जी एक और ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम ये करेंगे इसको फ्राई करके आप इसमें स्टीम में करते हैं तो जब ब्रेक से आएंगे तो फिर हम दूध के लड्डू सीखेंगे शेफ मुमताज आज हमारे साथ हैं और क्या कहना था हाँ बीच लग्जरी में और क्या क्या नया हो रहा है ये भी ज़रा इनसे जानेंगे एक ब्रेक की बात हाल जी आज है अब वक्त है दूध के लड्डू बनाने का और ये ज़रा हमें शेफ मुमताज ही बताएंगे कि कैसे बनाएंगे अच्छा स्टीम चिकन हमने रख दी है स्टीम करने के लिए उसको डीप फ्राई ज़रा शक्ल दिखाएंगे ओके सही है जी अगर हम इसको थोड़ा और ब्राउन कर लेते हैं या ऐसे ही कलर होता है इसका हाँ तो वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसा रखना है लेकिन मैंने इसलिए बता देने के 15 मिनट 20 मिनट तक ऑलमोस्ट हमारा डिजर्ट रेडी होगा ठीक है तो ये भी रेडी होगी तो अगर बोलेंगे तो दोनों साथ ही
सही है जी। चलिए जी, दूध के लड्डू जरा। दूध के लड्डू के लिए हमारे को एक पॉट चाहिए। शेफ, आप कौन सी चीज में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, मीठे बनाने में या देसी खाने बनाने में? मैं एक्चुअली मैक्सिकन और इटाली और अरबिक के अंदर थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, यानी कि शेफों के साथ काम किया है तो इसके अंदर स्पेशलिटी रही उसके साथ। लेकिन अब जब पाकिस्तान आया हूँ तो मुझे पाकिस्तानी की तरफ से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन। बीवी से कुछ सीखा? बहुत कुछ। अच्छा, शेफ्स क्या सीखते हैं या अपने काम में बस इतने माहिर हैं कि क्या सीखेंगे? बिल्कुल। एक और चीज है कि होटल इंडस्ट्री ऐसी आपको बिजी रखती है। हाँ, कुछ हाँ। सीखने का मौका देगी तो उसके लोकेशन देसी खाना अच्छा बनाते हैं, बहुत जबरदस्त। तो शायद अपने टैलेंट, अपने एक्सपीरियंस आपने सीखा हो अपनी बेगम से, बहुत कुछ अच्छा खाना बनाया हो। माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बनाती है बेगम। ये हमारा तकरीबन 2.5 किलो दूध है। ठीक है, इसको थोड़ा गर्म करके फिर आप इसको फाड़ेंगे। फिर हम इसके बाद इसको फाड़ेंगे। इसके फाड़ने के लिए हमारे को विनीगर चाहिए होगा। आप चाहें तो किसी चीज़ से भी, लेमन से भी फाड़ सकते हैं उसको। हाँ, उसको कटल हो जाएगा उससे भी। अच्छा, और अगर और आपको इजी है तो ये विनीगर बहुत इजी होगा। हमारे पास है ना संदीप का, हमारे पास चाइनीज सॉसेज हैं, उसका सिरका भी रखा हुआ है। सिरका रखा हुआ है आपके पास? तो हम उसको कितना डालेंगे? जैसे ये 2.5 लीटर अभी हमने तकरीबन, ये देखें अगर दूध प्योर दूध है तो 1 टेबल स्पून बहुत है। 1 टेबल स्पून। अच्छा, एक तो डिब्बे वाला दूध होता है, एक फ्रेश दूध होता है, उस पर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है? बिल्कुल, बहुत डिफरेंट होता है। हमने जो ज्यादा बनाया नीडो के ऊपर ज्यादा काम किया है, पाउडर मिल्क के ऊपर, तो 1 टेबल स्पून बहुत है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज है कि इसको आप अगर लेमन से फाड़ेंगी और अगर मिक्स होता है, आजकल तो मालूम है मिल्क कैसा आ रहा है, उसके अंदर तो भी काफ़ी आपको चाहिए तकरीबन 3-4 टेबल स्पून जो आना चाहिए उसको फटने। हाँ, उसको कटल करने में बहुत टाइम लगता है। तो बेहतर है कि सिरका इस्तेमाल कर लें। सिरका इस्तेमाल करेंगी तो बेस्ट रहेगा, फौरन ही फट जाता है। फौरन ही फट जाता है। अच्छा, ये तो ये जो हमने रख दिया है, इसके बाद हम इसको फाड़ लेंगे। फाड़ने के इसको विनीगर डालेंगे। विनीगर डालने के बाद ये कटल हो जाएगा। अच्छा, ये आप करके रखा? हाँ, ये मैंने करके रखा, इसलिए पहले मैं आप ये बता दूँ। हम दिखा देंगे, जब तक दूध हो रहा है हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर। तो अभी मैं ये तकरीबन 2.5 किलो है का बना हुआ है, इसके अंदर हमारे को तकरीबन 50 ग्राम जो है वो ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज के लिए हम ग्लूकोज इसको जो अच्छा है उसको सॉफ्ट रखेगा। सही। इसके यहाँ ये ग्लूकोज बनाया या बना बनाया? नहीं, बना बनाया आता है, मार्केट में अवेलेबल है ये तकरीबन इसको। और ये इसी तरह जमा हुई? हाँ, जमा हुई होता है। अभी थोड़ा सा हीट पड़ेगी, हीट होगी तो ये अपने आप, ये देख रहे हैं आप, उतना ही 2.5 लीटर का ये बनाया हुआ है। हम आपको अभी फाड़ के भी बताएंगे, इसका फाड़ के भी दिखाएंगे। ये तो तकरीबन हमारा कोई थोड़ा सा स्लो करना है। ठीक है, इसके अंदर हम ये डाल देंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये हल्का सा गर्म होता है तो ये आराम से मेल्ट हो जाता है, ये ग्लूकोज इसमें आराम से मिक्स हो जाता है। ओके, बादाम, पिस्ते, चीनी जी। अब इसके अंदर हम बादाम भी इसके साथ मिक्स कर देंगे। ठीक है, पिस्ता भी, शुगर हमने इसमें डालेंगे क्योंकि इसलिए शुगर हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे, इसमें डाल के फिर इसको कटल करेंगे। सही है, इसमें मिक्स करेंगे बादाम पिस्ता? बादाम पिस्ता इसमें मिक्स करेंगे, ये मिक्स कर लेते हैं ताकि वो जब कर्डल होगा तो फिर हम साथ दिखा देंगे। जब तक जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप बेशक मिक्स करें। वालेकुम अस्सलाम, किरण क्या हाल है? मैं खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल, हंसती है। आपका देख के हम ये जुमला इस्तेमाल करने लग गए हैं। अरे सिर्फ जुमला इस्तेमाल नहीं करें, बन भी जाए। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मसाला चैनल से बहुत कुछ सीखा, आप शीन से भी और आप से भी। हाँ जी। आप दोनों ने वाकई में बहुत अच्छी, शुरू में स्टार्टर हैं, जो बातें बताते हैं बहुत अच्छी बताते हो, हम उस पर अमल भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अपने लिए अच्छा करें बस। नहीं, अच्छा ही करते हैं, हमारा मोहल्ला भी का शुक्र है बहुत अच्छा है। मोहल्ला भी सबको ऐसा होना चाहिए। हाँ, आप हो जाए सब हो जाएंगे। मैं आपका पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ जी, कि आप अच्छे अच्छे शेफ लेकर आते हो और हमें बहुत सीखने को मिलता है। यकीन करें, अब घर पे हम इतनी कुकिंग करते हैं, पहले हम किचन से भागते थे। अच्छा, अब मजा आने लग गया आपको, है ना? नहीं, और ये अपने शेफ मुमताज का, मैं वैसे भी मसाला चैनल से प्रोग्राम आता है कुकिंग ऑन द सी, सब जानते हैं उनका, तकरीबन जानते हैं। थैंक यू वेरी मच शेफ को। हां, थैंक यू वेरी मच। नहीं, और आप
बहुत मेहनत करते हो हमारे लिए, और जितना भी शुक्रिया अदा करे कम है। बहुत अच्छा आप लोग सिखाते हो, ताउन भी बहुत करते हो आप लोग। बस ये आप लोग की मोहब्बत है, बिल्कुल ये आप लोग की मोहब्बत है, ये और कुछ नहीं। हर चीज मिल रही है, कहीं जाना ही नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, जितना भी शुक्रिया अदा करें। अरे नहीं नहीं, बहुत कम है, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने का, थैंक यू। अच्छा जी, ये आपने डाल दिया बादाम, पिस्ते, पिस्ता डाल दिया, ग्लूकोज इसके अंदर सॉफ्ट मिक्स हो गया है। अब ये और ये बिल्कुल रेडी है, इलायची है, इलायची पाउडर है, थोड़ा खुशबू के लिए इसमें डाल दिया। अच्छा डाल दिया, ठीक है इलायची। अब इसमें शुगर डाल देंगे, तकरीबन हमारे पास 125 ग्राम शुगर है, शुगर ढाई लीटर सही है। मीठा कम खाते हैं आप शेफ? देखिए मैं तो मीठा कम ही खाता हूँ, हाँ इसीलिए कम डाल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ एहतियात कीजिएगा, हाँ इस चीज़ के, जब ये अभी तो शुगर मैंने डाल दी है इसके अंदर और ये डिजोल्व हो जाएगी, हाँ। उसके बाद जब फाड़ेंगे तो आधा पानी आपको फेंक देना है। अच्छा, इसका ठीक है, आधा जो पानी जो फटने के बाद जो पानी आएगा साइड में उसको आधा पानी फेंकना है और आधे पानी के अंदर उसको पकाना है। अच्छा जी, उसको फिर ये हाँ ये कंडीशन आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बचा लिया। अच्छा कितना इसको उबालेंगे हम? ज्यादा पकाना भी नहीं, ज्यादा पकाना नहीं है अभी, हम इसको विनेगर डाल के इसको। सही है जी, कॉलर। अच्छा ठीक है, चलें जी अभी हम संदीप की हम सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं इसको फाड़ने के लिए दूध को, ये हम और तकरीबन ये लीजिए कितना डाल रहे हैं देख के खुला। अच्छा हां तकरीबन हम इतने एक टेबलस्पून के 1 टेबलस्पून के करीब, और ये फटेगा इसका जो पानी अलग होगा उसका आधा पानी हम गिराएंगे लेकिन आधे को हम उसी में पका बिल्कुल मिक्स कर देंगे उसके। ठीक है, जब तक दूध फट रहा है आइए जरा हम आपको कैटलॉग दिखा देते हैं। रुसाली वेलवेट कलेक्शन है ये अल जुहेर की, जिनका एक जोड़ा आज मैंने भी पहना हुआ है, एंड इट्स ब्यूटीफुल, पूरी एम्ब्रॉयडरी अच्छी सी हुई हुई है, शादी ब्याह के लिए तो आइडियल है आजकल के सीज़न के लिए। ये इनकी वेलवेट कलेक्शन है और पूरे स्टाइल के साथ दिया हुआ है, वैसे तो ये टू पीस आपको मिल रही है अनस्टिच्ड, आप कैटलॉग से देख कर सेम डिज़ाइन के साथ कर सकते हैं। सारे कलर्स जो हैं वो विंटर कलेक्शन के इस्तेमाल किए हुए हैं। और दिखाएं नेक्स्ट, हाँ ये अच्छा, ये देखें इसके साथ पैंट्स, ये साड़ी भी है इनके पास, अगर जो लोग साड़ी वेलवेट की पहनना चाहते हैं गुड आइडिया। ये वाला जोड़ा मैं इन दोनों में से चूज़ कर रही थी कौन सा सेलेक्ट करूँ तो मैंने ये वाला किया। सारे ये टू पीस कलेक्शन है, रुसाली कलेक्शन, बहुत अच्छी कलेक्शन निकाली है जो है वालों ने, रियली नाइस। आप लोग ज़रा जाइए ऑनलाइन और चेक कीजिए इनकी ये कलेक्शन, और कुछ ना कुछ ज़रूर आपको अच्छा लगेगा उसमें से। अच्छा ये देख लें जी, फट गया, ये फट गया, ठीक है। अब इसमें से हम आधा पानी तो अच्छा ठीक है, आधे पानी के अंदर हम इसको पकाएंगे, ठीक है। आपने स्ट्रेन करना, स्ट्रेन में मैंने रख दिया, और इसको इतना पकाएंगे कि वो खुश्क हो जाए, खुश्क हो जाए बिल्कुल, और ये कलर आ जाएगा बिल्कुल, ये है यार। और जब ऐसे कलर आ जाए तो इसमें आप बादाम पिस्ते ऐड करें, इलायची पाउडर ऐड करें। अब मेरे ख्याल से सिर्फ आपने इसके वो गोले बनाने होंगे बस, और कुछ तो बहुत आसान सा मीठा है, चख लेती हूँ, मुझे तो मीठा कम होगा के लग। देखिए ओह माय गॉड, यार खोया, कैसा खोया भी ऐसे ही बनता है ना बिल्कुल, तो ऐसे ही खा लें, गोले शोले भी क्या बना लें। अच्छा चमचे से भर के नेक्स्ट टाइम दूध फटेगा तो आपने ये चीज बना, ये बनानी है घर पे। अच्छा अब इसको जो विस्क इतनी करनी है कि बिल्कुल दाना अलग अलग हो जाए, इसको विस्क को इतना करना है कि इसका दाना बिल्कुल अलग हो जाए और मिक्स हो जाए इसके साथ। अच्छा सही जी, इसको लम्स नहीं बनने चाहिए, हाँ ठीक है, चमचा चलाते रहें जी बिल्कुल। अच्छा हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं शेफ? सही बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं जब तक, ये यही ड्यूटी आपने करनी है सही बिल्कुल। सही है, फिर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे, अभी दो इटालियन रेसिपीज रहती हैं जो शेफ से हमने सीखनी है। ये बाकी दूध के लड्डू बहुत मज़े के बनेंगे, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आया। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर। Live TV.
दूध के लड्डू अज्जा दूध 5 किलो ग्लूकोज 100 ग्राम चीनी 250 ग्राम पिस्ते बादाम 200 ग्राम सिवैयां 20 ग्राम किशमिश 50 ग्राम छोटी इलायची 10 ग्राम खोपरा हस्बे ज़रूरत सिरका हस्बे ज़रूरत जी शेफ मुमताज लगे हुए अपनी ड्यूटी पे खूब उसकी बुनाई कर रहे हैं अच्छा ये सफेद कलर ही रहना चाहिए सफेद कलर और ये ऐसा हो क्यों जाता है ब्राउनिश सा एक ब्राउनिश का रीजन ये है कि हम शुगर जो है ना ज्यादा ऐड कर देते हैं अच्छा तो इससे और जिसके से वो कैरामलाइज होता रहता है हाँ। जितना आप पकाएंगे वो कैरामलाइज होता रहेगा शुगर कैरामलाइज होने के बाद उसको ब्राउनिश कलर दे देगा तो हमने इसकी जो क्वांटिटी जो रखी है शुगर की बिल्कुल लिमिटेड रखी है स्वीट भी रहेगा अच्छा। और कलर भी नहीं आएगा आप देखें दूध का लड्डू अलग रहा है दूध का डब्बा लेकिन इसी को ही ज्यादा पकाएंगे तो ये थोड़ा सा भूनने के बाद ब्राउन नहीं होगा आप ज्यादा पकाएंगे तो अच्छा ज्यादा पकाएंगे क्योंकि हमारा ग्लूकोज डालने का मकसद ही ये है अच्छा। कि ये पानी ना छोड़े अच्छा ये सॉफ्ट रहे इससे ग्लूकोज ऐड करते हैं ग्लूकोज की पाकिस्तान इसके अंदर कोई इतनी वो इम्पोर्टेंस नहीं है अब देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है अच्छा शेफ मुझे बताएं ये तो अभी गरम गरम है जी अभी जब हमने ग्लूकोज ऐड करना होगा तो हम इस स्टेज पे कर सकते हैं नहीं 75% इसको ठंडा होना है अच्छा अलग निकाल लें क्योंकि वार्म होता है जैसे वार्म होता है वो जमा हुआ कैसे रहेगा फिर ग्लूकोज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा अच्छे साथ मिक्स हो जाए बिल्कुल जैसे अभी हमने इसमें डाला था थोड़ा जमा हुआ था थोड़ा गर्म होना चाहिए ताकि वो ग्लूकोज मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए ठीक इसकी क्वालिटी यही है कि इसकी टाइमिंग सेट हो डिजर्ट कोई सा भी हो डिजर्ट कॉन्टिनेंटल हो बहुत मज़े का है ये और चीनी किशमिश बादाम पिस्ते और इलायची हमने इसमें डाल दिया तो शायद इसके गोले शोले जिस तरह बनाने हैं वो बना लें जी बिल्कुल बिल्कुल मैं इसके बाद इसकी प्लेटिंग ही करने शुरू कर दूँगा बस थोड़ा सा ये भुन जाए ठीक है लाइन में भून लेती हूँ बिल्कुल भून मैं भी काम की हूँ थोड़ा ऐसा कर दूँ जी बिल्कुल ताकि मैं तो आराम आराम से भूनती रहूँ देखें आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हुआ मुझसे डायरेक्टर पूछ रहे हैं आप कब कुकिंग कर रही हैं मैंने कहा पहले मेरे यहाँ के शेफ्स आएंगे फिर मैं आऊँगी अच्छा पहले शेफ्स तो कंप्लीट हो जाएं हाँ। नहीं जो हमारे यहाँ पर ये सारे फ्लोर इंचार्ज है ना अच्छे, शेफ अच्छे, ये लोग कई सालों से बिल्कुल और इन्होंने बड़े बड़े शेफ्स के साथ एक्सपर्ट्स के साथ काम किया तो ये लोग अपने अंदर आप में एक बहुत बड़े शेफ्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं शर्जील अब्दुल्ला माजिद ये सारे लोग तो मैं कब से इनके पीछे हूँ कि ये तीनों आए चारों आए शो पर एक एक रेसिपी बनाए और इनसे ज़रा हम कुछ राज की बातें भी जाने अच्छा जी ये बन गए गोले और इसकी प्लेटिंग स्टीम चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी डन है डन इसकी भी प्लेटिंग हम कर देंगे अब ये एक दो बस आप बता दें बना दें प्लेटर सजा लें फिर हम ज़रा फिर दूसरी रेसिपी की तरफ चलेंगे लॉबस्टर की शक्ल तो दिखाइए ज़रा लॉबस्टर ये रखा बस ये खाने देखने में ही सही है खाने ये खाने में भी अच्छा है अगर आप फैमिली हो या इसके साथ जिनको शौक है आपको शौक है तो बनाइएगा जी मिसेस सलीम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह किरण बहुत प्यारी लग रही हैं और इतने अच्छे अच्छे शेफ लेके आती हैं और रेसिपी तो टू गुड होती है वाह क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह शेफ के हम शोज देखते रहते हैं बहुत अच्छी रेसिपी होती हैं और अक्सर बनाते भी हैं बहुत टेस्टी बनती हैं और आज ये लड्डू बना रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं हाँ दूध के लड्डू शेफ बिल्कुल थैंक यू वेरी मच किरण मुझे सूट बहुत प्यारा लग रहा है मेरी शादी की सालगिरह है ओहो अच्छा अगले इतवार को है तो मुझे सूट जरूर चाहिए आपसे आज मिया को वेबसाइट बता दें अल जुहेब की आप मुझे दें वेबसाइट नहीं मुझे आपके शो से चाहिए मेरे शो से जुड़े चाहिए जी चले जी हम आपका नाम जरूर डाल देते हैं लेकिन अगर आपने विन नहीं किया तो मिया को वेबसाइट जरूर बता दीजिएगा अल जुहेब की और बताइएगा तो मैं बता दूंगी लेकिन मुझे आपके शो से चाहिए और बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी और चिकन भी बहुत प्यारी लग रही जो स्टीम की है ना इन्होंने प्यारी लग रही सही है ठीक है वो भी ट्राई कीजिएगा अच्छी सॉफ्ट होगी बिल्कुल सही है जी थैंक यू मियां के पैसे बचा दिए हैं वो कह रही है कि मैं मुफ्त में मिल जाए यहाँ से तो अच्छा है देखिए कितना ख्याल है बेगमात को ना बेगमात को ज्यादा ही
कम ख्याल होता है, है? मेरा मतलब ज्यादा या कम, दोनों बातें बोल दी नहीं कम ख्याल कम ही होता है कम ही होता है इशारों में इशारा समझी थी वो घर बैठी वाली बिल्कुल देखिए और ये तो हमारा कहाँ वो है एक फर्ज है इनके ख्वाहिशात को पूरा करना है इनको सही। अच्छा आपने कुछ हाथों में लगाया गिला इसको किया ये तो मैं ग्लव्स पहना हुआ हूँ हाँ। तो जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा अदरवाइज आपको थोड़ा ऑयल या घी को लगा के इसको लड्डू को बना सकते हैं अब ये तकरीबन हो गया है हमने कोई घी भी तो डाला ही नहीं था घी भी कुछ नहीं डाला कुछ नहीं डाला बाद में डाले इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के इसको डालते हैं ना भूल गए आप नहीं नहीं भूले नहीं हूं ऐसा मत बोलिए कोई घी नहीं लड्डू बन रहे हैं दूध के लड्डू है ना तो बिल्कुल प्योर दूध ही होना चाहिए सही है अच्छा अब मैं इसको बंद कर देती जी बिल्कुल बंद कर दीजिए इसको बस ये हो गया अब इसको निकाल दें अगर निकाल सकते हैं वरना मैं निकाल देता हूं इसको सही नहीं मैं निकाल लूं क्या है वेरी गुड इसका मतलब आप भी तकरीबन क्या तकरीबन क्या 99% तो शेफ है एक परसेंट और हो जाएंगी अच्छा ये हम कोल्ड करने के लिए रख देंगे अच्छा कोल्ड 75% कोल्ड होगा उसके बाद मिक्सअप करेंगे तो हम इसको रख देते हैं ये हमारा कंप्लीट ये हो गया इसके बाद इसके हम गार्निश कर देते हैं थोड़ी सी अच्छा अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर अब हम तो लग रहा है अभी चलना शुरू कर देंगे ये लॉबस्टर अच्छा ब्रेक के बाद ठीक है शेफ एक और ब्रेक आ रही है फिर ब्रेक के बाद हम ये आपकी क्विक रेसिपी होगी हाँ तकरीबन 5 मिनट तो लेगी तो ये आप फ्राई एक काटेंगे नहीं इसको काटेंगे इसका मीट निकालेंगे हाँ। धोएंगे उसके बाद चलिए सामने एक कट कर लीजिएगा एक हाँ हाँ बिल्कुल 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 ठीक है जी हम ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसको भी डिश रही मैं एक ताकतवर सोल हूँ मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए किसी से कुछ नहीं लेना मैं देने वाली रूह हूँ मैं हर किसी को प्यार देने वाली हर किसी को इज्जत देने वाली हर किसी को सुख और दुआएं देने वाली रूह हूँ मेरी हर बोल मेरी हर सोच मेरा हर करम अल्लाह को खुश करता है मैं सब्र और शुक्र की हालत में रहती हूँ बुराइयों और बीमारियों से पाक साफ हूँ हर किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ अपने लिए अच्छा सोचती हूँ हर वक्त अपने मन में अच्छा अच्छा चलाती हूँ है ना शेफ ऐसे ही होना चाहिए ना बिल्कुल अच्छे अच्छे रहना चाहिए ना बहुत खुश खुश रहना चाहिए बुराई आए भी तो भी अच्छा अच्छा रहना चाहिए आती है तो लाइफ है ना अप एंड डाउन होते ही रहता लाइफ के अंदर दुखने से क्या बिल्कुल और उसको लेके बैठने से क्या फायदा उससे बेहतर सिचुएशंस आती हैं लाइफ में अच्छी बुरी बुरी आती है तो आप दो चीजें करते हैं या तो आप वाइज हो जाते हैं या फिर आप वुंडेड हो जाते हैं तो या तो आप तकलीफ में चले जाएंगे या तो आप उससे कुछ सीख लेंगे कुछ सीख लेंगे जबरदस्त भाई ये आपने बनाना लीफ लिया इसको वाइट प्लेटर के ऊपर सजाया सजा दिया अभी मैं चखूं इसको कैसे बिल्कुल तो फोक से लीजिए साइड से चख लूं हां बिल्कुल यही ये पहले आप लोग जरा इसके नजारे देखिए खूबसूरत लड्डू भी इतने प्यारे इन्होंने बना दिए ना मजेदार से और बहुत मजे के लड्डू हैं और सस्ते सस्ते हैं सस्ते और झटपट बनने वाले कुछ भी नहीं है ये दोनों चीज़ें ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अच्छा अब शेफ़ आ रहे हैं ज़रा कटिंग पे लॉबस्टर की और उसकी सॉस बिल्कुल ठीक है शेफ़ अब आप वो मुझे बता दें कि क्या कर रहे हैं बिल्कुल हाँ बिल्कुल सॉफ्ट गली हुई है परफेक्ट मसाला है परफेक्ट है अच्छा हल्का हल्का वो अंडा और बेसन की भी एक खुशबू जो आ रही है बना मज़ेदार है और चिल्ली कैसी है इसका स्पाइसी शेफ लग ही नहीं रहा कि हमने इसको डीप फ्राई किया था अच्छा हाँ। रियली अब देखें बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर है और सॉफ्ट बच्चे भी शौक से खाएंगे बिल्कुल क्योंकि सादा है ज़्यादा वो भी नहीं है कि मिर्चे वगैरह मैं अब इसको टर्न कर देती हूँ ताकि तस्वीरें अच्छे से बन जाएंगी वेरी नाइस शेफ थैंक यू अब आ जाते हैं जरा हम अब लॉबस्टर की तरफ लॉबस्टर अरेगोस्ता बना रहे हैं हम लोग लॉबस्टर अरेगोस्ता बना रहे हैं ये बीच लग्जरी के कस्बा रेस्टोरेंट सी फूड रेस्टोरेंट हमारा वहाँ का एक स्पेशलिटी है ये सही है
इसको तो हैंडल करना भी. ये वो वाली डिश है जो आप सिर्फ देखें और इन्जॉय करें. ये हमने हेड आउट कर दिया इसका. वो सब बेकार है. हेड हाँ, हेड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मीट यूज़ करेंगे, स्पेटी के साथ सर्व कर रहे हैं. तो इसका तरीका भी यही है कि हम इसको सेंटर से ये ले लेंगे. ये इस तरीके से काटेंगे आपको. काटने के बाद अच्छा ये हो गया. अच्छा अब ये मीट आउट कर देंगे मीट के लिए. इस तरीके से जी. और इसका शेल तो नहीं चाहिए. शेल तो चाहिए नहीं हमारे को. अच्छा जी. तो जब आप प्रेजेंट करते हैं तो ये सर्वर का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो जब हम अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर यूज करते हैं. अच्छा, सजाने के लिए जैसे बुफे वगैरह. जी ये किस नहीं रहा. तो ठीक है, इसको हम ग्रिल करते हैं, थर्मिडोर बनाते हैं. इसे इसको वॉश कर लेता हूँ. प्लेट वहाँ रखी है, नाइफ को भी. अच्छा, और इसके साथ आप बनाएंगे सॉस? बिल्कुल. ठीक है. ये ऑलिव ऑयल लाए हैं आप? ये ऑलिव ऑयल है? ये ऑलिव ऑयल है. अच्छा अच्छा, अभी उसकी क्लीनिंग हो रही है. हाँ जी, बुला लें फिर. हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर बीच लग्जरी होटल के जीएम अजीम कुरैशी साहब भी मौजूद हैं. उनसे भी हम ज़रा गपशप लगाएंगे और जानेंगे कि बीच लग्जरी होटल के आगे और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के हवाले से, डिस्काउंट्स के हवाले से, जो हम सब इंटरेस्टेड होते हैं वो भी हम जानेंगे. और आज हम आपको अल जुहैब की तरफ से जोड़े भी दे रहे हैं, उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए, हमारे शो में शामिल हो जाइए. अच्छा शेफ़, मैरिनेशन? जी, मैरिनेशन की इसकी नहीं है, सिर्फ हम डायरेक्ट सॉस बनाएंगे, डायरेक्ट इसको कुक करेंगे. इसको सिर्फ हमारे को एक मिनट की प्रिपरेशन चाहिए, जिसमें सिर्फ चेरी टमाटर हमको काटने हैं. अच्छा. चेरी टमाटर कटने के बाद इसको डायरेक्ट हम इसको कुक करेंगे. इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे क्योंकि स्पेगेटी के साथ सर्व होगा. जब स्पेगेटी के साथ सर्व होगा तो लाजमी इसको छोटे छोटे. इसका मीट प्रॉन्स की तरह होता है? इसका जो फ्लेवर और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट होता है. इसके से हाँ, ये लॉब्स उसके से क्रेप के साथ थोड़ा मैच करता है. कैसे अल्लाह ताला ने हर चीज़ में कितना मुख्तलिफ जायका रखा हुआ है, रंग रखे हुए हैं फल सब्जियों के. कुदरत देखिए, ये भी पानी का जानवर है, मछली भी पानी, लेकिन सब मुख्तलिफ. हर चीज़ डिफरेंट है, डिफरेंट टेस्ट रखती है, डिफरेंट फेसिस रखती है, और सब नेचुरली जैसे सब्जियाँ फल मट्टी में उगती हैं. और वो हर कोई अलग रंग की है, हर कोई अलग फ्लेवर की है. क्या अलग ही फ्लेवर है, सब माशाल्लाह से बहुत डिफरेंट है. इसको मैं हटा देता हूँ. ठीक है जी. थोड़ा लॉबस्टर को. अच्छा, इसकी सॉस में चेरी टमेटोज जाएंगे, काली मिर्च, और ये बेजल के हैं पत्ते? जी, ये बेजल के पत्ते हैं. ये हम साइड में रख देते हैं. ये हो गया सिर्फ दो मिनट के लिए. हाँ. बस क्विक सर्विस है. या हम मैं ये निकाल लूं? अच्छा सेकंड. जी बिल्कुल, ये हम फ्राई पैन बनाएंगे बड़ा वाला. अच्छा, ये हाँ ये ले. ठीक है, ये वाला ले लीजिए छोटा. जी बिल्कुल जी. बहुत क्विक है, अब देखेंगे. लेकिन बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होगा, डिफरेंट प्रेजेंटेशन होगी, हर चीज़ डिफरेंट होगी. क्योंकि हम जो इस वक्त रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है. ठीक है. इटालियन शेफ, ये चेरी टमाटर्स ना नॉर्मल टमाटर इस्तेमाल? नॉर्मल टमाटर यूज़ कर लें. नॉर्मल टमाटर ज़्यादा ट्राई कीजिए कि रेड कलर का हो. अच्छा, हाँ, ज़्यादा खट्टा ना हो. सही है, क्योंकि चेरी टमाटर यूज़ करने का हमारा मकसद है कि ये इसके अंदर खटास ना हो. अच्छा, ये मीठा हो. अच्छा, थोड़ा स्वीटनेस होती है इसके अंदर. ये हमारे अच्छा, इसको बनाएंगे हम ऑलिव ऑयल में? ऑलिव ऑयल में बनाएंगे. हम शुरू कर देते हैं बिल्कुल, क्योंकि ब्रेक आ रही है. मैं चूल्हा चला देती हूँ. अगर रखना है तो हम रख सकते हैं. नहीं, बस आप कर दीजिए. हाँ, मैं इसको या ब्रेक ले लें? क्या कर चाहिए? ब्रेक ले लीजिए. ब्रेक ले लें, आके हो जाएगा जल्दी से. तो प्रॉन और प्रॉन भी हो जाएगा फौरन. प्रॉन भी हो जाएगा. प्रॉन की भी रेसिपी हम रख लेते हैं, क्योंकि अजीम साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम सारा गपशप लगाएंगे. अभी क्या करना है? बस अभी हम इसको गार्लिक ऑलिव ऑयल डालना है. दिखा दे दो. हाँ, ऑलिव ऑयल और टमाटर शमाटर डाल लें और फिर ब्रेक. ठीक है जी, ताकि हम ये शुरुआत कर दें ना अपनी सॉस की. बल्कि सॉस बना देते हैं. हाँ, कर देते हैं, सॉस रेडी कर देते हैं. बस चीज़ें एक साथ डालनी है आपने. सही है जी. चलिए, यह हो गया. गार्लिक सोते करेंगे, थोड़ा गार्लिक सोते करेंगे.
गार्लिक सौते करके फिर काली मिर्च नहीं, काली मिर्च नहीं, हम डायरेक्ट चेरी टमाटर डालेंगे उसके साथ। चले जी, हम ये काम करते हैं, ऑलिव ऑयल लिया, गार्लिक सौते किया और चेरी टमाटर डाल के रखते हैं और आपका वेट करते हैं। लॉबस्टर स्पैगेटी, अच्छा लॉबस्टर 300 ग्राम, स्पैगेटी 320 ग्राम, चेरी टोमेटोज 90 ग्राम, लहसुन 30 ग्राम, जैतून का तेल 25 मिलीलीटर, पार्सले 20 ग्राम, बेजल 5 ग्राम, पामेजान चीज़ 5 ग्राम, नमक काली मिर्च 20 ग्राम। जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ गए और शेफ मुमताज़ हमारे साथ हैं। अच्छा, हमने किया क्या था, ऑलिव ऑयल लिया था, गार्लिक को सौते किया और जो आपने लॉबस्टर से उसका जो बूदा मीट था वो निकाल के चॉप करके वो हमने थोड़ा सा कुक किया एंड चेरी टमाटोज, चेरी टमाटोज, बाकी और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। अब हम डालेंगे इसके अंदर पार्सली और सॉल्ट और बेजल लीव्स, बेजल लीव्स थोड़ा सा ले लेंगे, चॉप कर लेंगे, थोड़ी ज़्यादा फ्यू पे लीव्स इनफ है। अच्छा, और ये इटालियन स्टाइल से आप बना रहे हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल इटालियन स्टाइल है और इसी स्टाइल में आप घर पे भी बनाएंगे। अच्छा, तो अब प्रॉन्स हो तो भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब बेजल लीव्स आपको थोड़ा फ्लेवर दे देगा इसके अंदर, वो खुशबू भी। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल। नमक, ये सॉल्ट डाल दिया, काली मिर्च यहाँ जी, बिल्कुल ये पास्ते डाल दी, पास्ते थोड़ी ज़्यादा होगी। और ये इटालियनो का हम पार्मेसन चीज़ बाद में हम यूज़ करेंगे इसका। ये ब्लैक पेपर डाल दिया थोड़ा सा, ये आ गया, तो थोड़ा ठंडे पर रखेंगे क्योंकि मुझे इसको डीकवर्स करना है। इसको भी कुक करना है? नहीं, हो रेडी है ये, बॉईल किया है सिर्फ, बिल्कुल इसके साथ आप टोस्ट करेंगे ना, इसका खत्म और ये रेडी है, वो फिर रेडी है। ओ वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन हमने जो है ना 250 ग्राम्स ले लिए इसको, ये देखें। चलो जी, एक पोर्शन तब आएगा, बिल्कुल कम हमारे प्रॉन्स रहे, प्रॉन्स रहेगा। सही चीज़ को आप टॉस कीजिए। यहाँ पर हमारे साथ आइए, आपकी मुलाकात करवाते हैं, अजीम साहब मौजूद हैं, अजीम कुरैशी साहब जो कि जीएम हैं बीच लग्जरी एंड हैंडलिंग अवारी होटल्स। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम है ना, बीइंग लॉन्ग टाइम। आप पहले भी आ चुके हैं हमारे शो पर, हम आपके होटल्स आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वंडरफुल पर्सनालिटी, बहुत वेलकमिंग, बहुत अच्छे से आपको वेलकम करते हैं, हमेशा दावत देते रहते हैं। बिल्कुल क्या चल रहा है आजकल? देखिए, हमारा और आपका साथ हमेशा से ही रहा है। बिल्कुल, और टू बी ऑनेस्ट, आप यू आर शोइंग कलर्स ऑफ पाकिस्तान। मसाला बेसिकली देखिए, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कंट्री, और जो सब कॉन्टिनेंट का फ्लेवर है, जो कलर है ना, वो है कुजीन। बिल्कुल ठीक है, कलर्स हमारे फिएस्टा जो है ना, वो कलर्स हैं, हमारे क्लोथिंग, हमारी कॉस्ट्यूम, ये कलर ऑफ पाकिस्तान है। और जो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन चीज़ है कुजीन है। और जब पाकिस्तान में आप कुजीन की बात करें और मसाला का नाम ना लें तो इट्स अनफेयर। और सी फूड की बात करें और बीच लग्जरी का नाम ना लें, कस्बा का बीच लग्जरी का नाम ना लें तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अभी लास्ट टाइम हमने सी फूड फेस्टिवल का इनॉग्रल किया था। अच्छा। तो पाकिस्तान की पहचान सी फूड है, सी फूड है, और सी फूड एक इंडस्ट्री होनी चाहिए। हाँ। और मैं समझता हूँ, मैं दुनिया घुमाऊँ, दुनिया रहा, आई लव सी फूड। जो टेस्ट पाकिस्तानी सी फूड में है, वो आई टेल यू, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट। ऐसे नहीं, यहाँ से टनों मछलियाँ और सारा सी फूड जाता है, एंड वी नीड टू मेक दिस एज एन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल, वी गोना मेक लॉट ऑफ फॉर्चून इंशाल्लाह, जरूर। आगे क्या क्या है बीच लग्जरी में आजकल, क्या चल? देखिए, हमारे पास आज इनफैक्ट आज एक वाव फेस्टिवल है, इट्स फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल, वंडर ऑफ वुमेन। अच्छा, वाव, दैट्स बेसिकली अ वाव, and I must share it with you. Okay. That's what I and I with through you I expect Karachi High to listen and come. Say. Because this is what the we need now. Say. Secondly, हमारे पास seafood festival चल रहा है कस्बा में, अभी एक तो I think non-stop कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, अभी एक चाइनीज फेस्टिवल कर रहे हैं हम, जिसमें दो दिन है 19th एंड 20th को, जिसमें तमाम कराची के जितने भी चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं उनके कियोस्क होंगे। अच्छा, एंड इट्स अ म्यूजिक, फायरवर्क्स, इट्स ऑल, इट्स अ एंट्री, इट्स अ एंट्री, इट्स अ बेसिकली वी वहीं जाकर भी, हां, वी आर अ प्लेस पार्टनर। ओके, सो समबडी इज डूइंग इट, इवन क्राफ्टर इज डूइंग इट, एंड दे आर डूइंग इट अ गुड जॉब। सेकंडली, हम जब मैं आपकी मसाला की बात करता हूं ना, तो आई हैव बीन वर्किंग विद मसाला फॉर ऑलमोस्ट नाउ 8-10 इयर्स।
earlier to other hotel where I was working, we did a lot of cooking classes. फिर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट किया, वी वेंट टू मुल्तान इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर एंड वेंट वेरी गुड दैट मुल्तान कुकिंग क्लास. नाउ वी अब नाउ वी आर गोइंग इन अवर फैसलाबाद. सिंस वी टॉकिंग अबाउट मुल्तान एंड फैसलाबाद, अवारी हैज ओपन lot of Awari Express hotels in Pakistan. We have recently opened. तो ये फर्क है क्या Awari and Awari Express में? It's basically a four somehow the other four star brand. अच्छा. और and we cater at all level. ठीक है. So five star brand भी है हमारे पास, four star brand भी है. Awari Express basically अभी जो हमने लाहौर में खोला है 210 keys room hotel. अच्छा. So beautiful building. Nicely decorated. मैंने देखी है. और Awari Multan हमने खोला है अभी. We have two hotels. अच्छा. One is a Awari Express, one is a Awari boutique hotel. It's a beautiful hotel. फैसलाबाद में भी हमने एक boutique hotel खोली है. इस्लामाबाद में end of December खोल रहे हैं. अच्छा अच्छा. We have two properties in Dubai, two in Karachi. So we are expanding. Inshallah, Sargodha में भी आ रहे हैं. There are a lot of other places we are coming up. Country is growing. Awari Group is growing. And we love to work with you. Inshallah, Islamabad mein bhi hum ek cooking class karenge aapke saath. Very good, very good. Very soon. Inshallah, by in March. In the pipeline. Huh? We can do it in March, 23rd March. It's a lot of time. Abhi to saal khatam hoga, to phir shuru hoga. But aaj to bhai ye chef Mumtaz ne bahut zabardast ye hame doodh ke laddu inhone banaye hain, and they're amazing. Bahut mazedar bane. Steam chicken hame sikhai. और ये इन्होंने ये तैयार हो गया जी. जी बिल्कुल. स्पेगेटी बॉस आए आज शेफ. जी बिल्कुल. वैसे शेफ इतना काम वहाँ करते नहीं है. आपके साथ ही इन्होंने ये जुमला बोला, ये शुक्र है काम तो कर काम करते हुए देख लिया. शेफ वर्क्स बिहाइंड द फायर इज अ शेफ. अच्छा, वो नहीं जो सुपरविजन कर रहा है. देखिए सुपरविजन तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकती हैं. एवरीवन हैज अ स्किल. वो उस पोजीशन पे, उस मकाम पे पहुंचा है, ये बिहाइंड द फायर काम करते हैं. बट स्टिल बिहाइंड द फायर वर्क्स मोटिवेट द रेस्ट ऑफ द स्टाफ व्हिच ही डज. मुमताज इज अ वेरी गुड शेफ एंड अ वेरी गुड कुक. यू हैव टू बी वेरी गुड कुक देन यू कैन बिकम अ शेफ. देख लें. एंड यू हैव टू बी हैप्पी. और छुरी उठा ली थी इसलिए मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया. नहीं, इवन के शेफ रिजवान आज आए हैं इनको हेल्प करने के लिए. मैंने इनसे पूछा ये क्योंकि हमारे शो पर आ चुके थे. मैंने कहा आज आप नहीं कुकिंग कर रहे. वो भी बड़े मज़े से कुकिंग करते हैं, इन्जॉय करके. जब ये हमारे शो पर आए थे, ज़रा शक्ल तो दिखाएं ताकि लोग देखें. आए ज़रा, ये रे आ गए. ये वो हसमुख से शेफ जो हमारे शो पर आए थे, बड़े मज़े से इन्जॉय करके ना इन्होंने कुकिंग की थी. लोगों ने काफ़ी आपको अप्रिशिएट किया था. हाँ, नहीं ये शेफ की और टीम जो है ना. हाँ, देखिए एक आदमी से कुछ नहीं होता. नहीं, पूरी टीम वर्क. और शेफ की मेरी जो बीच लग जाएगी. हाँ, पूरी इंटायर टीम है. और हमारे Awari होटल्स में हम पूरी डिपेंड करते हैं टीम एफर्ट्स पे. और यू वर्क एज ए टीम, यू प्रोड्यूस, तभी चीज अच्छी सामने आती है. इवन इफ यू प्रोड्यूस यू गेट प्रमोट. सही है जी, इट्स अ टीम वर्क. हमारी टीम भी इसी तरह से काम करती है एक साथ मिलकर. एक ब्रेक लेते हैं हम. ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी लास्ट रेसिपी जो है प्रॉन्स की, वो हम आपको सिखाएंगे. अजय जी वेलकम बैक. एंड है लास्ट रेसिपी है. यहाँ पर हमने बटर लिया, ऑलिव ऑयल लिया, और ये आलूओं को आपने बॉईल किया हुआ है पहले से? ये पहले से बॉईल किया. ठीक है. और इसको ऐसे कट कर बॉईल करके सिर्फ हमने इसको बटर एंड ऑलिव ऑयल के अंदर इसको सोते किया. सिर्फ कलर देना है इसको क्योंकि ऑलरेडी ये बॉईल है. ऐसे इतने मजे के लग रहे हैं ना, जो खुशबू आ रही है. अच्छा, और दूसरी तरफ अच्छा ये हम अब प्रॉन्स करेंगे इसके अंदर. गार्लिक सोते करेंगे. ठीक है. गार्लिक सोते करने के बाद फिर हम सही. अच्छा, प्रॉन में आपने कोई नमक मिर्च लेमन कुछ अभी कुछ ऐड नहीं किया. कोई मैरिनेशन नहीं है इसके अंदर. अभी सिर्फ फ्राई पैन के अंदर इसको मैरिनेट भी करेंगे. अच्छा सही है. और अच्छा, आपके पास सिर्फ 2 मिनट बस. ये इन्होंने कहा मैं 2 मिनट की रेसिपी. ये लिटरली आपके पास 2 मिनट ही होंगे. ये हो गया. ओके, अजीम साहब को भी सी फूड पसंद है. आप तो मुसलसल कस्बा भी बैठे रहते होंगे. ये वक्त नहीं मिलता. नहीं, मैं अभी कभी whenever I get a chance I come and dine in with my family. अच्छा, मुझे सबको सी फूड बहुत पसंद है. ओ, मेरा बेटा लंदन होता है तो जब भी वो आता है. हाँ, तो वही हम चाहते हैं. वेरी गुड, ये सही है ना. अच्छा जी, क्या क्या है? नमक, सॉल्ट डाल. सॉल्ट हो गया. इसके बाद हम गार्लिक को करेंगे सर. लेकिन इसको जब टर्न आउट, जब टर्न कर देंगे और इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे आप? नहीं, ज़्यादा नहीं करेंगे.
ये देखें वो बनकर ना, हाँ ये रेडी ये सर्विंग के लिए आपने इसको बिल्कुल रेडी बिल्कुल इसमें जाएगा नमक हाँ, काली मिर्च नमक जाएगा काली मिर्च भी जाएगी और थोड़ा सा टच ऑफ क्रश पेपर जाएगा दैट्स इट और गार्लिक तो हम करके इसके एक सॉस बनाएंगे सॉस जरूरत है इसी के अंदर बन जाएगी ऑटोमेटिक ही बन जाएगी इसकी ठीक है आपके पास शेफ आज आप हमारे शो पर आए पहली मरतबा हमें बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू बहुत हमने आपसे सीखा थैंक यू एंड बीच लग्जरी होटल का बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरह से हमारा साथ रहे जारी और बिल्कुल जो आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे लोगों को कुछ बताना चाहेंगे बीच लग्जरी होटल के हवाले से देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आवारी होटल्स और बीच लग्जरी होटल बेसिकली इनका ये फर्स्ट फ्लैगशिप होटल था आवारी होटल्स का और इट इज़ ऑलमोस्ट 72-73 ईयर्स ओल्ड होटल और कस्बा जो सी फूड रेस्टोरेंट है ये भी तकरीबन 70 प्लस ईयर्स ओल्ड है और इसकी सबसे डेलिकेसी ये है कि इसकी जो बेस्ट डिशेज हैं वो 70 ईयर्स ओल्ड है एंटीक रेसिपीज और वी आर कीप कंटिन्यूइंग दैट दोज रेसिपीज और पहले जो आदमी बैचलर था वो कस्बा आके खाया करता था वो ग्रैंड फादर है तो आके खाता है यू कैन इमेजिन एंड ही इज कमिंग अलोंग विद द फैमिली जनरेशंस आ रही है सेम गोज विद आवर बैंक्वेट हमारा जो वेडिंग पैकेज है जो जो इंस्पायर करता है कराची हाइट्स को वो यही है कि ग्रैंड फादर गॉट मैरिड एंड ही वॉन्ट्स हिज ग्रैंड ग्रैंड सन टू गेट मैरिड सेम जगह सो दैट्स द बेसिकली डायनेस्टी यू आर गोइंग विद लेकिन बीच लग्जरी हमारा नानी दादी पर नानी पर दादी एग्जैक्टली और हम हमेशा अपनी तमाम करेस्पॉन्डेंस में हमारी मस्ट है कि हम उसमें लिखें कि वी आर प्राउडली पाकिस्तानी सो वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी वी आर प्राउड टू बी अ वारियन एंड वी आर प्राउड टू सर्व टू पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल पीपल हु आर कमिंग टू पाकिस्तान डिमांड ऑफ द डे यही है कि वी शुड प्रमोट पाकिस्तान बाय डूइंग विद हिज शोइंग हिज कलर्स बाय कुजीन व्हाट मसाला इज डूइंग और ये हर कोई कर सकता है जो भी पाकिस्तानी है जो भी पाकिस्तानी बट थैंक यू सो मच सर प्लेजर प्लेजर और अपना मुमताजा ये जो है ना एनिक्स का गिफ्ट आपके लिए सारी मेहनत आपने की इसको आप साथ लेकर जाएगा हमारे आज के जो विनर्स हैं उनके नाम भी मैं अनाउंस करती चलूँ अल जुहैर के जोड़े जा रहे हैं सायरा को संघाई संघर्ष से और हानिया को कराची से मिसेस फरीद को लाहौर से मिसेस काशिफ को फैसलाबाद से आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों ने नहीं जीता कोई बात नहीं वेबसाइट हाजिर है अल जुहैर की जाइए और वहाँ से आप कुछ ना कुछ ऑर्डर कीजिए इनकी वेलवेट कलेक्शन से यहाँ पर तैयार हो गए हैं इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और नई रेसिपीज नए मेहमानों के साथ थैंक यू सो मच शेफ थैंक यू सिर्फ पार्सले डाला नमक डाला काली मिर्च लाल कुटी बटर के लिए हमने थोड़ी सॉस डाली है बस और कुछ नहीं है सॉल्ट डाला लेमन जूस थोड़ा डाला प्लेटिंग भाई थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया